कंटिन्यू, देखते हैं राजेश भैया से मुलाकात हो जाए यार। सोच रहे हैं, कोशिश तो करेंगे पक्का मिलने की। इधर पूरा रामगढ़ का टाउन है काका। राजेश भैया को जानते हो? जय जोहार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों, इस समय हम रांची पार कर चुके हैं और जा रहे हैं अभी रामगढ़ के एरिया में, जहाँ की अपने राजेश भैया का भी घर है। लेकिन उनसे मुलाकात हो जाएगी तो अच्छी बात है, देखते हैं कोशिश करके। अगर हो गई तो भी अच्छी बात है, नहीं हो पाएगी तो भाई क्या कर सकते हो, हमारी किस्मत है ना। लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे भाई मिलने की, ठीक है। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं भाई, इधर का एरिया बहुत ही बढ़िया है यार, मस्त। इधर तो बारिश वरिश भी हुई है तो पूरा हरा भरा है, जो कि देख सकते हो। और पार्टी वाले को भी कॉल किए थे, बोल रहा था हो जाएगी खाली, तो मैं बोला भाई कर देना खाली यार टाइम से, हो जाएगी तो और भी अच्छी बात है ना, वैसे भी निकल जाएंगे। और अपने जो नरेश भैया हैं वो रुक चुके हैं पीछे में, वो अपनी गाड़ी खाली करेंगे, उसके बाद में साथ में निकलेंगे दोस्तों। अभी तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। रात को करीबन 12:30 बजे हम सो गए थे पेट्रोल टैंकी में, रांची से पहले 12 किलोमीटर। तो और अभी सुबह निकले वहाँ से, फिर उसके बाद में कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास बचा होगा रामगढ़, 40 नहीं बोल सकते, 20-30 किलोमीटर बचा होगा जहाँ पर हमको एग्जैक्टली जाना है, ठीक है। तो कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो, ब्लॉग का मजा लो। जितने बंदे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। और जिसने पहले सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम है मेरी तरफ से। तो चलते हैं अभी आगे, टोल प्लाजा पहले पार करते हैं। तो रांची पार करने के बाद में फर्स्ट वाला टोल प्लाजा ये वाला पड़ता है, जो कि यहाँ से रामगढ़ 12 किलोमीटर दिखा रहा है यार। मैं ज़्यादा ही बता रहा था मतलब, है ना। तो ये वाला टोल प्लाजा पड़ेगा, हजारीबाग वाला रोड है ये। तो ये टोल प्लाजा पार करते भाई, कितने का टोल कटता है देखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। मेरे ख्याल से भाई टोल इसमें दिखाता नहीं है, कट गया। कितने रुपए का कटा यार? 200 रुपये का कटा है दोस्तों, 200 रुपये का कटा है यहाँ का टोल प्लाजा। चलते हैं अभी कंटिन्यू, देखते हैं राजेश भैया से मुलाकात हो जाए यार। सोच रहे हैं, कोशिश तो करेंगे पक्का मिलने की, क्योंकि भैया इतने बड़े यूट्यूबर जो ठहरे हैं, अब उनका कुछ कॉन्टेंट नंबर भी नहीं है, घर का एरिया भी ढंग से पता नहीं है। लेकिन देखते हैं कोशिश करके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का रोड का देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना, मस्त एरिया है यार। और पहाड़ी एरिया भी दिखाएंगे आप लोगों को, कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो यार। मस्त एक नंबर का पहाड़ है जामगढ़ में एरिया में, इतना बढ़िया, पूछो मत, पूछो ही मत, पूछना ही मत, दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो घाटी में पहुंच गए दोस्तों, इधर से अभी मेरे ख्याल से पूरा उतरना है। और गाड़ी अपनी देख रहे हो कितनी की स्पीड में चल रही है, 70+ चल रही है, मतलब 70 में चल रही है अभी। और अपनी एवरेज भी भाई गाड़ी बढ़िया देना चालू कर दी है, 7 का एवरेज दे रही है, आया था उस समय 5.5 का एवरेज दे रही थी। गाड़ी चलाने चलाने में ही फ़र्क होता है दोस्तों। यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ती है भाई, ये बहुत ख़तरनाक घाटी है ना ये। ओहो, आने के टाइम बस गियर लगा के आना पड़ेगा चढ़ते चढ़ते। और अभी तो उतर रहे हैं, पूरा पूरा ढलान है ना इसके वजह से।
आपने देखा होगा राजेश भैया का ब्लॉग, जो कि उस वाले मंदिर पे गए थे वो लोग घूमने के लिए, अपने सागर भाई जो कि दिखाए थे उस वाले मंदिर का ऊपर का एरिया जो कि देख सकते हो, वही वाला एरिया दिखाए थे जो कि मैं भी आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं उनका ब्लॉग देखता रहता हूँ ना इसके वजह से। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि उनका ब्लॉग देखते हो कि नहीं। भाई हम उनका हर ब्लॉग देखते हैं यार, बहुत ही बढ़िया लगता है उनका ब्लॉग। बस अब रामगढ़ पहुँच ही गए दोस्तों, अब सामने रामगढ़ है, अब सीधा सीधे जा रहे हैं दोस्तों। अगर रामगढ़ में जाना रहता तो नीचे से जाना पड़ता, अभी तो ये फिलहाल में नया ओवरब्रिज बना है जो कि पहले नहीं बना था यहाँ पर ओवरब्रिज, अभी यहाँ पर ओवरब्रिज बढ़िया बन गया है, देख रहे हो बहुत ही बढ़िया। और रामगढ़ टाउन उधर आगे में है, इधर पूरा रामगढ़ का टाउन है इधर। नो एंट्री लग गई होगी रामगढ़ में, खैर हमारा रामगढ़ का माल नहीं है, अच्छी बात है ना, लेकिन राजेश दिया से मुलाकात करेंगे यार, देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौन सी मशीन है भाई, रामगढ़ तो पार कर लिए दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पर भाई चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, जो कि याद ही कर दिया हमने चाय। और पार्टी वाला बोल रहा था भाई यहीं पर ही आएंगे, उसके बाद में यहाँ से गाड़ी को लेकर जाएंगे, तो मैं भी यहीं पे ढाबे के पास में खड़ा कर दिया, क्या पता इधर अंदर भी जा सकता है ना इसके वजह से। चाय पीते फिर उसके बाद में देखते भाई आता है, फिर उसके बाद में निकलेंगे, और जल्दी हो जाए अपनी भी गाड़ी खाली, तो भाई 3-4 बजे ऐसे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी नरेश भैया की भी गाड़ी खाली हो रही रांची में, फिर देखते हैं, पहले पीते हैं भाई चाय। कांच टूट गया है काका, राजेश भैया को जानते हो? राजेश, राजेश आर राजेश ब्लॉग, जो क्या कहते हैं ट्रक में चिकन उकन बनाते हैं, अपना वीडियो दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं। नहीं है मालूम? अच्छा, यही रामगढ़ के हैं वो भी। हाँ, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में वीडियो बना बना के डालते हैं, आपको पता होगा, इसके वजह से पूछ रहे थे हम। ऐसा तो काका को तो पता नहीं है भाई, लोग देखते हो किसी से पूछ लेंगे। नहीं तो वो तो यहीं के ही निवासी है ना, ऐसा है, यहाँ के निवासी नहीं है, जामताड़ा के निवासी है वो, यहाँ रहते हैं। वहाँ से निकल चुके थे और पार्टी वाला सामने जा रहा है जो कि देख सकते हो, और माल हमारा भाई 4 जगह खाली होगा यार, क्या बोले जाए भाई, सिंगल रास्ता है भाई लेके जा रहे हैं इधर अंदर में, कहाँ पर होता है खाली देखते हैं, और 4-4 जगह खाली होगा भाई, टाइम भी लगेगा यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से तो निकलना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर भाई अभी वायर वायर हटाया जा रहा है, क्योंकि वायर जो कि ये वाला पकड़ रहा है इसके वजह से। एकदम गांव गली वाला रास्ता है यार, लोड कर लें भाई। तो फाइनली दोस्तों एक जगह पे खाली करके निकल चुके हैं, थोड़ा सा मतलब आधा भी नहीं हुई पे गाड़ी, मतलब 45-40 पीस वहाँ पे उतरा है, उसके बाद में अब आगे में उतरेगा यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे में, तो वहाँ पर चलते हैं, क्या करें भाई, जंगल जंगल बाघ चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। और दोस्तों बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा है कि भाई छत्तीसगढ़िया वीडियो मत बनाओ, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, नहीं बनाएंगे यार, कोई बात नहीं, वो तो सबका कमेंट आया था अपने छत्तीसगढ़ के भाइयों का, इसके वजह से हमने एक वीडियो बना के दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही बनाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये आ गए हाईवे रोड में, यहाँ से किधर जाना है भाई,
ये गलत बात है, हमको रॉन्ग साइड से लेके जा रहे हैं ये, देख रहे हो। तो थोड़ा इधर दबा के चलते हैं। मांडो किस किलोमीटर है? कहाँ पहाड़ में चढ़ा रहे हो भैया, खराब खराब रास्ते में। फाइनली तीसरे पॉइंट में अपनी गाड़ी खाली होना चालू हो गई है, जो कि दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं खाली करके, जो कि देख सकते हो। और इतना दिमाग कचर हुआ ना भाई, पूछो मत यार, दिमाग ख़राब हो गया। चार चार जगह खाली करना था और प्लस क्या कहते हैं भाई, इतना खतरनाक जगह में घुसाना पड़ा ना कि दिमाग मेरा पूरा अपसेट हो गया है। और सोचे थे भाई रामगढ़ में राजेश भैया से मिल लेंगे यार, लेकिन क्या करें, उनका कोई जगह पता होता है नहीं, कहाँ घूमते रहेंगे, है ना, इसके कारण भाई नहीं पहुँच रहे हैं, क्या करें। ठीक है, अब क्या करें, इधर है रामगढ़ तो पहुँचते हैं रांची, क्योंकि अपने नरेंद्र भैया भी वहीं पर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। होली के साथ में फिर निकलेंगे भाई, कल शाम रात तक अपने रायपुर पहुँच जाएंगे। गाड़ी का थोड़ा जो ऑयल टपक रहा था अभी तक बंद नहीं हुआ है, मतलब वो डीजल था वो टपक रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। हो सकता है घर भी चले जाएंगे कल, जैसा भी है कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो, बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। रांची के बाईपास में रुक चुके हैं और खाना वाना खा लेते हैं भाई, शाम के 6 बजे भाई खाना खा रहे हैं, क्या करें, खाना खा लेते क्योंकि फिर नाइट में बनाना ना पड़े, इसके वजह से अपनी गाड़ी एक तो सामने में खड़ी है, उनको भी बुला लेते भाई, खाना वाना खा लेते फिर यहाँ से निकलेंगे, चलते हैं खाना वाना खाते हैं। फाइनली दोस्तों खाना पीना खा लिए भाई और निकल चुके हैं, और सूर्यदेव भी अपने समय के हिसाब से डूबने वाले हैं, और हम भी चलाएंगे अब रात भर गाड़ी, तब पहुंचेंगे भाई जसपुर, जसपुर पार करके सो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और आज भी भाई नहाने के लिए नहीं मिला है, क्या करें यार, कल नहाएंगे लेकिन मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात के करीबन बज चुके भाई 10, और आप लोगों को भाई गाड़ी चला ही रहा है कंटिन्यू, और अभी यहाँ से चलाएंगे भाई, मतलब बॉर्डर पहुँचने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पहुँचने वाले हैं, बस कुछ दूरी और है, 20-30 किलोमीटर और बचा हुआ है, फिर उसके बाद में आगे में जाके कहीं पे आराम आराम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ का ये गुमला एरिया है, जो कि ये झारखंड में पड़ता है। अपनी गाड़ी आ रही है एक और पीछे पीछे। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक ही, फिर से मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। हालांकि मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कुछ आप लोगों को नया दिखाऊं मैं, ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। यस जय सियाराम। तो मैं आ चुका था भाई रायपुर मेटल पार्क के पास में, टाटा शोरूम रामा का है जहाँ पर। हालांकि मैं जो 2 दिन हो गया भाई वीडियो नहीं डाला था उसके लिए तो सॉरी, आज शाम को डल जाएगा मेरा वीडियो, मतलब अभी जो शूट किया हो अभी डाल रहा हूँ। और जो वीडियो अभी देखे हो पीछे वाला, वो रामगढ़ का रांची का था, तो वहाँ से खाली उली करने के बाद में भाई उधर का वीडियो मैं नहीं बना पाया था, तो वहाँ थोड़ा अपसेट था। और क्या कहते हैं, आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि बार बार कि भाई उसी रूट में बार बार वही वाली वीडियो बना रहे, वही दिखा रहे हो, इसकी वजह से मैं वाला रूट में बनाया नहीं। फिर उसके बाद मैं यहीं पर आ गया सीधा टाटा का शोरूम में, जो कि ये देख सकते हो, है ना। तो भाई लोग क्या करें भाई, हमारी गाड़ी एक रूट में चलती तो उसमें मेरी क्या गलती है ना, ऑल इंडिया परमिट है लेकिन एक रूट में चलती भाई, ये बात आ रही है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई इस रूट में मैं चल रहा हूँ, तो कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगा और अपना गाड़ी में भी कुक करेंगे, मतलब खाना पीना बनाएंगे और जो भी वगैरह वगैरह है सब करेंगे, लेकिन एक ही रूट में भाई गाड़ी चलती है हमारी ज़्यादातर, पटना बिहार और झारखंड। ठीक है, ये 3 रूट में चलती है मेरी गाड़ी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये ब्लॉग अभी डालता हूँ मैं। ठीक है, जब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में, और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।